दोस्तों आप सामने देख रहे हैं भगवान सिंहेश्वर का मंदिर, पूरे गांव की आराध्य देवता है और ये है उनका मंदिर। यहीं पर जो है जेठ के महीने और सावन के महीने देवता के थोड़ा होते हैं, फिर सारे गांव में लेकर करते हैं। इस बार जो है गांव में कोई आई नहीं, सब इधर उधर जा रहे हैं, तो अब एक महीने के बाद लोग फिर यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद आपको जो है भगवान सिंहेश्वर देवता की डोली का दर्शन। ये है भगवान सिंहेश्वर देवता का मंदिर गंगिनी। और ये है खेत्रपाल देवता का कुठार। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गाँव में आज कल जो है सामने के पहाड़ों पर जो है बर्फ गिर रही है, ठंडी और ठंडी कारण जो है यात्रा करने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि वो सामने के पहाड़ बर्फ से भर गए हैं। तो देख सकते हैं आप सामने पर बर्फ, ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फ गिर गई है और बर्फ के गिरने के कारण जो है ठंड बहुत हो गई है इस बार। तो आप देख सकते हैं सामने जो है पहाड़ों पर जो है बर्फ गिर गई है और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है गांव में, और आसमान इस तरह से सुना हुआ है सामने देखो आप पहाड़ों पर। और ये है गंगे गांव का नजारा कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये है गंगे गांव और ये लगा रखे हैं सेब के पेड़ और ये सामने हो रखी है राई। अब जो है पाला गिरने से जो है ये भी इसमें पीलापन आ गया है, पाला गिरना शुरू हो गया है। वो अब रह गई है और ये जो है मार्सा के पौध है, जो है हमारे यहाँ जब मार्सा तब काटते हैं, पहले जो है देवता को यहाँ पर बिंग देता है देवता और उसके बाद जो है सारे गांव वाले जो है मार काट लिए, जो आजकल खेतों में काम चल रहा है तो आपको थोड़ा देर में मैं दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो ये हैं हमारे मार्सा के खेत और इसको चौलाई भी बोलते हैं, इसका आटा बनता है और आज अपने पर आ गया है। आप देख सकते हैं ये है मार्सा, पहाड़ी मार्सा। वो आप देख सकते हैं मार्सा के खेत, यह पत्ती पर तैयार हो गई है, उस समय में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आप मार्चा की कटाई हमारे यहाँ शुरू हो गई है और आप लोग मार्चा काटना शुरू कर दिए हैं।
और इस तरह से जो है हमारे यहाँ आजकल मार्चा काट रहे हैं, और कुछ दिनों बाद जो है ये सूखकर तैयार होगी। और इस तरह से जो है सुखाने के लिए इसको रखते हैं, और जब ये सूख जाए उसके बाद इसको घर ले जाएंगे, फिर इसकी कुटाई करेंगे लकड़ी से, अब इसके दाने और भूसे अलग हो जाएंगे।